हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हमें लड्डू गोपाल जी का मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कैसे भोग लगाना है, कैसे स्नान कराना है। और ये मॉर्निंग की हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा है। तो दोस्तों, ये मैंने हल्का गर्म पानी लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स किया है गुलाब जल, क्योंकि इत्र की खुशबू हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रिय है। तो उस हिसाब से मैंने ये चीज़ें इसमें हल्के नम में ऐड की है। और ये हमने लिए है अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। तो दोस्तों, सर्दियों का सीज़न है, तो उस हिसाब से हमें अपना, जैसे हमें ठंड लगती है वैसे हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को लगती है, तो उस हिसाब से मैंने ये गर्म ड्रेस ली है। और जो हमने पहले वाली ड्रेस है ना, वो हमने निकाल दी है। और अब हम कराएंगे स्नान। और तुलसा दल हमें ज़रूर लेना है, तो ये तुलसा जी का मैंने पत्ता भी एक डाला हुआ है। और इस तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को हल्का गर्म पानी जो होता है ना, नम वाला, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, उस तरीके से मैंने ये जल लिया है। अब हम स्नान करा देंगे। और इस तरीके से फिर जो हमारे लड्डू गोपाल जी का छोटा सा टावल रखते हैं हम हैंक के रूप में, वो हम ले लेंगे उससे अच्छे से पहुँच के। और फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को करेंगे तैयार। तो पहले ही अपना ड्रेस वगैरह निकाल के रख लो, जो कि जैसे सेम प्रोसेस वही होता है दोस्तों, जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं उस तरीके से ही हमें अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। और आप किस रूप में रखते हो, देखो वो आप लोगों की ऊपर होता है, बाल रूप में रखते हो या एक मंदिर में जैसे हम सारे भगवान विराजमान करते हैं उस रूप में रखते हो, किस रूप में आप रखते हो, किस हिसाब से आप सेवा करते हो, वो अपने ऊपर होता है। तो ये हम अपना बाल गोपाल जी को अभी वस्त्र पहनाएंगे। जो भी हमने ड्रेस निकाली है ना, इनकी डांगरी आज मैंने इनकी निकाली है, वही हम पहनाएंगे। वो तैयार होके एकदम अलग ही लगते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और कुछ इस तरीके से हमने पहनाया है। और दोस्तों, आप लोग किस तरीके से सेवा करते हो वो भी ज़रूर शेयर करना अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह की दिनचर्या। जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किया था कैसे हम अपने बाल गोपाल जी को उठाते हैं सुबह मॉर्निंग में, और आज का है हमारा कि कैसे हम स्नान लगाते हैं। आप भोग में क्या लगा, देखो फल है, कुछ भी आप घर में बनाते हो उस तरीके से, या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी आप भोग में सुबह मॉर्निंग में आप दे सकते हो, चाय दूध और जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से हमें अपना बाल गोपाल जी की सेवा करनी होती है। तो ये हमने ड्रेस पहना के कर दिए हैं लड्डू गोपाल जी तैयार। और अब इनको अपने इनके आसन पे हम विराजमान करेंगे, जहाँ पे अपना इनका आसन है। तो इस तरीके से, और ड्रेस के साथ में बहुत प्यारी कैप है, तो कैप भी हम पहनाएंगे अपने बाल गोपाल जी को। ये देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल जी हमारे रेडी हो गए हैं। ये इनकी ड्रेस के साथ ही कैप थी, तो ये कैप हमने पहना दी है। और जैसे कि ठंड का टाइम है, तो स्टोल वगैरह जो रखते हैं ना, वो भी हम अपने लड्डू गोपाल जी का रखेंगे साथ में, और बांसुरी तो होगी फिर। तो इस तरीके से हमने अपने बाल गोपाल जी लड्डू गोपाल जी तैयार किए हैं। अब इनका हम रखेंगे स्टॉल, जो हमारे पास स्टॉल रहता है ना, उसी तरीके से ठंड से बिल्कुल जैसे अपने बच्चे की सेवा करेंगे उस तरीके से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी। अब हम इनका कर देंगे तिलक। ये इस तरीके से, और इत्र भी हम इनको, क्योंकि खुशबू इनको बहुत पसंद है, फिर अपनी माता रानी को और सबको हम तिलक करेंगे इस तरीके से। और ये रेडी हो गए हैं हमारे बाल गोपाल। तो मैंने आप लोगों के साथ में दोस्तों शेयर किया है सुबह का स्नान वगैरह, किस तरीके से हम अपना पूजा पाठ के साथ साथ अपने सारी तैयारी करके रखते हैं। और सारा काम फटाफट निपटाते हैं।
सरल विधि के साथ में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और अब हम रखेंगे भोग। तो भोग हम सबका अपना अलग अलग, क्योंकि तुलसा दल हमारे तुलसा जी का जो पता है ना, वो हमारे कृष्ण जी बाल गोपाल जी को समर्पित करना है, और बाकियों में मैंने बिना वैसे ही रखा है। और इस तरीके से बस आरती कर देनी है,